स्वागत है आप सभी का, मैं हूं गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज 2020 का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया है। भोपाल की जागृति ने लड़कियों में देश में पहला स्थान हासिल किया, जबकि ओवरऑल दूसरे स्थान पर रही। जागृति ने भोपाल के मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से 2017 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है। वो बीएचईएल में नौकरी करती थी, लेकिन यूपीएससी में सफलता पाने के लिए बीएचईएल की नौकरी छोड़ दी थी। जागृति के पिता एसएस अवस्थी भोपाल में प्रोफेसर है। जागृति के अलावा मध्य प्रदेश के जबलपुर की अहिंसा जैन ने भी यूपीएससी में सफलता हासिल की है। अहिंसा ने देश में 53वीं रैंक हासिल की है। वो पहले से आईआरएस में सिलेक्टेड है। वहीं होशंगाबाद के किराना और कपड़ा व्यापारी शरद खंडेलवाल के बेटे अभिषेक खंडेलवाल यूपीएससी में 167वीं रैंक हासिल उन्होंने की है। इस साल यूपीएससी में 761 अभ्यर्थी पास हुए हैं। तो एमपी की बेटी ने यूपीएससी में मारी बाजी, और होशंगाबाद के अभिषेक ने भी हासिल किया है रैंक। जागृति अवस्थी लड़कियों में पहला स्थान हासिल कर चुकी है। जागृति ने बीएचईएल की नौकरी छोड़कर यूपीएससी की तैयारी की थी। जागृति ने इलेक्ट्रिकल से अपनी पढ़ाई की। जबलपुर की अहिंसा आईआरएस सेवा से पहले से ही जुड़ी थी। तो अहिंसा ने देश में 53वीं रैंक हासिल की है। वो पहले से आईआरएस से सिलेक्टेड है। वहीं होशंगाबाद के किराना और कपड़ा व्यापारी शरद खंडेलवाल के बेटे अभिषेक खंडेलवाल यूपीएससी में 167वीं रैंक उन्होंने हासिल की है। इस साल यूपीएससी में 761 अभ्यर्थी पास हुए हैं। तो यूपीएससी 2020 का रिजल्ट घोषित हो गया है। भोपाल की जागृति ने दूसरा रैंक हासिल किया है। जबलपुर के अहिंसा 53वां रैंक हासिल कर चुकी है। होशंगाबाद का अभिषेक 167वीं रैंक पर है। यूपीएससी 2020 का रिजल्ट घोषित किया है। जागृति ने इलेक्ट्रिकल में बीटेक किया हुआ है। जबलपुर की अहिंसा आईआरएस सेवा में पहले से ही सिलेक्टेड है। यूपीएससी 2020 का रिजल्ट घोषित, और कुछ लोगों के चेहरे पर ये खुशी लेकर आया है। भोपाल की जागृति ने लड़कियों में देश में पहला स्थान हासिल किया है, जबकि ओवरऑल अगर बात की जाए तो दूसरे स्थान पर जागृति रही है। जागृति ने भोपाल के मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से 2017 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है। और इसी बीच बड़ी खबर, दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर सीएम ने बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने भू अधिकार योजना की घोषणा की। जल्द लॉन्च होगी योजना। जिन लोगों के पास रहने की जगह नहीं है उन्हें मिलेगी जमीन। शहरों में मल्टी बनाकर देंगे रहने का आशियाना। माफियाओं से जमीन छुड़ाकर गरीबों को देंगे। दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर यह बड़ी घोषणा की गई है सीएम शिवराज चौहान की तरफ से। मुख्यमंत्री ने भू अधिकार योजना की घोषणा की है। जल्द लॉन्च होगी ये योजना। जिन लोगों के पास रहने की जगह नहीं है उन्हें आशियाना मिलेगा, जमीन मिलेगी। शहरों में मल्टी बनाकर देंगे रहने के लिए आशियाना। माफियाओं से जमीन छुड़ाकर गरीबों को दी जाएगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर बड़ी घोषणा की है। मैं ये संकल्प व्यक्त कर रहा हूँ, योजना बनाने के मैंने निर्देश दे दिए, जल्दी उसको लॉन्च करेंगे और वो योजना होगी मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना। पुस्तक में पट्टा लिख सकते हैं अपन, और उसका लक्ष्य ही रहेगा कि हम चिन्हित करके जिन लोगों के पास रहने की भी जगह नहीं उनको रहने की जमीन का टुकड़ा उपलब्ध कराएं। शहरों में जहां इतनी जमीन ना मिले वहां मल्टी स्टोरी बन के उसको रहने का आशियाना उपलब्ध कराएं, क्योंकि इस धरती पर अगर वो पैदा हुआ है तो रहने के जमीन का टुकड़ा क्या अधिकारी तो वो है। और रीवा से बड़ी खबर, ट्रक और जीप की भीषण भिड़ंत हुई है जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। 6 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। जानवर को बचाने के चक्कर में ये वाहन अनियंत्रित हो गया। घायलों को इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया गया है। चोरहटा थाना क्षेत्र का ये मामला है। भीषण भिड़ंत में 4 लोगों की मौत हो गई है। ट्रक और जीप की ये भिड़ंत हुई जिसमें 4 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। 6 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं।
किसी जानवर को बचाने के चक्कर में वाहन अनियंत्रित हुआ, ट्रक और जीप की भिड़ंत हुई जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है, 6 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। संजय गांधी अस्पताल इन घायलों को पहुंचाया गया है। चोरहट्टा थाना क्षेत्र का ये मामला है। तो जीप और ट्रक की भीषण भिड़ंत हुई जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई, 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और वहीं आपको एक बार फिर से बता दें, यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज 2020 का फाइनल रिजल्ट घोषित किया। भोपाल की जागृति ने लड़कियों में देश में पहला स्थान हासिल किया है, जबकि ओवरऑल दूसरे स्थान पर वो रही हैं। जागृति ने भोपाल के मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से 2017 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है। वो बीएचईएल में नौकरी करती थी, लेकिन यूपीएससी में सफलता पाने के लिए बीएचईएल की नौकरी छोड़ दी थी। जागृति के पिता एसएस अवस्थी भोपाल में प्रोफेसर हैं। जागृति के अलावा मध्य प्रदेश के जबलपुर की अहिंसा जैन ने भी यूपीएससी में सफलता हासिल की। तो जागृति के लिए आज एक बड़ा दिन है। तो एमपी की बेटी ने यूपीएससी में बाजी मारी है। जागृति अवस्थी लड़कियों में पहला स्थान हासिल कर चुकी हैं और इस वक्त न्यूज स्टेट एमपीसीजी पर खुद जागृति अवस्थी जुड़ी हुई है। जागृति हमारे साथ मौजूद है। जागृति, आवाज मिल रही है आपको? जी मैडम, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है जागृति आपका, और इसके साथ ही आपको ढेर सारी शुभकामनाएं जो सफलता आपने हासिल की है। जागृति, आपसे हम काफी कुछ सवाल करना चाहेंगे, क्योंकि आप आज एक प्रेरणा स्रोत बन चुकी हैं उन लड़कियों के लिए जो कुछ करना चाहती हैं। सबसे पहले तो आप अपने सफर के बारे में बताएं कि आखिर किस तरह आपने पढ़ाई की थी, कैसा रहा था आपका ये पढ़ाई का सेशन जिस दौरान आप यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। मैडम, वैसे तो एक बैकड्रॉप में था बचपन से कि कलेक्टर बनना, लेकिन जब थोड़े बड़े हुए तो करियर में सिक्योरिटी ज़्यादा ज़रूरी समझी, तो मैंने 2017 में बीटेक किया मैनेज से। 2017 से 19 तक मैंने बीएचईएल में नौकरी की। बीएचईएल में नौकरी करते हुए 2019 की जनवरी से मैंने पढ़ाई चालू कर दी, एक बेस बनाना शुरू किया, बेसिक्स पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे मैंने अपना सब्जेक्ट का नॉलेज डेवलप करना शुरू कर दिया। पहली बार प्रीलिम्स दिया 2019 की जुलाई में, नहीं निकला, और वहीं मुझे ये समझ में आ गया कि मुझे ज़रूरत है कि मैं डेडिकेटेड तरीके से बैठ करके पूरी पढ़ाई कंप्लीट करूं। तो मैंने नौकरी छोड़ी, एक साल तक पूरी तरह सिर्फ यूपीएससी में लगी रही और डेली 8 से 10 घंटे पढ़ना, प्रैक्टिस करना, गलतियों को ना दोहराना, यही सब मेरा सफ़र रहा है। बिल्कुल जागृति, और परिवार का किस तरह का सपोर्ट था, क्योंकि आप अच्छी खासी पढ़ाई कर चुकी थी, बीएचईएल में नौकरी भी लग गई थी, तो जिस वक्त आपने नौकरी छोड़ने का फैसला किया, परिवार का सपोर्ट कैसा था उस वक्त? सर, मैम, परिवार का तो बहुत सपोर्ट रहा है नौकरी छोड़ने से लेकर के। उन्होंने मुझे चेताया ज़रूर कि मुश्किल है और मेहनत कर सको तभी रिस्क लेना, पर जब एक बार मैंने मन पक्का कर लिया तो फाइनेंशियल सपोर्ट देना, घर में वो पॉजिटिव माहौल बनाना ताकि प्रेशर क्रिएट ना हो, बहुत ही मतलब सपोर्ट रहा है मेरे पेरेंट्स का। मेरी मम्मी ने तो 2016 में हमारी पढ़ाई के लिए नौकरी भी छोड़ दी थी, तो पूरी तरह से सपोर्ट रहा। बिल्कुल, तो जागृति ये समझा जाए आज माता पिता के लिए बेहद खुशी का दिन होगा, और ख़ासतौर से आपकी माता जी के लिए, क्योंकि जिस तरह से आप बता रही हैं कि उन्होंने अपनी नौकरी तक छोड़ दी थी। जी बिल्कुल, बहुत खुश हैं और उनको लगता है कि उनकी जो त्याग है वो आज सार्थक हो गया, तो मुझे भी बहुत खुशी है कि आज अपने पेरेंट्स की खुशी का मैं कारण बन पाई। बिल्कुल, गर्व का दिन है आपके पेरेंट्स के लिए भी और हम सबके लिए, देश के लिए, क्योंकि आपने पहला स्थान हासिल किया है। जागृति, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आपका रूटीन क्या रहता था पढ़ाई के दौरान, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो यूपीएससी में क्लियर होना चाहते हैं, इसके साथ साथ वो टॉप पर भी रहना चाहते हैं, तो कुछ मंत्र उन्हें भी बताइए ज़रा। मैं तो कहूँगी कि आप बैलेंस बना करके चलिए। जब भी आप तैयारी शुरू करें, यदि आप नए एस्पिरेंट हैं, तो एक बार स्ट्रैटेजी अच्छे से क्लियर कर लीजिए। एक महीना बैठ करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सिलेबस, इन पे पूरा फोकस रखें,
उसके बाद अपने रिसोर्सेस लिमिट करिए, बार बार रिवाइज करिए। रूटीन की बात है तो एक बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। बॉडी की एक फ़िज़िकल लिमिट है, मेंटल लिमिट है। तो मैं डेली 30 मिनट की फ़िज़िकल एक्सरसाइज, कोई वॉक हो गई सुबह या भाई के साथ थोड़ा सा बैडमिंटन खेल लिया घर पे ही, जो भी हो फिज़िकल फिटनेस बना के रखती थी। और थोड़ा बहुत अपनी हॉबीज़ पे ध्यान दीजिए, जैसे कभी वेब सीरीज़ देख ली, मम्मी पापा से बातचीत कर ली, मुझे हेल्थ कुकिंग का शौक़ है तो कभी हेल्थ कुकिंग कर ली। तो इस तरह से अपना एक बैलेंस बनाएं और डे को डिवाइड कर लीजिए। मैं मॉर्निंग मेरा सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव रहता था, सुबह 8 बजे से लेकर के कुछ 12 बजे तक एक 4 घंटे का अच्छा स्लॉट निकल आया, फिर रिलैक्स किया, ब्रेकफास्ट पहले लंच वगैरह करके फिर रिलैक्स करके फिर 2 बजे से बैठे, फिर शाम को थोड़ा किया। तो ऐसे ब्रेक कर करके करिए। लिख लिख कर पढ़ना मेरी स्ट्रैटेजी रही है, मैंने बहुत लिखा है इस बीच में, उससे राइटिंग स्किल्स भी डेवलप होती हैं और आपकी मेमोरी में रिटेंशन भी इम्प्रूव होता है। बिल्कुल जागृति, और ये भी देखा जाता है कि जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं उन्हें कहीं ना कहीं एक प्रेशर तो होता ही है और इसके साथ साथ डिप्रेशन में भी कई बार चले जाते हैं, क्योंकि जब कामयाबी हाथ नहीं लगती तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगी, किस तरह से उन्हें अपना मनोबल बढ़ाकर रखना चाहिए? मैडम, मैं यही कहूँगी कि मेरी मम्मी मेरे से कहती थी जब पहली बार में नहीं हुआ था, फिर कभी प्रीलिम्स में कम नंबर आ गए, तो कहती थी कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। तो बस कभी भी हमेशा अपनी कमियां देखती रहती थी कि किसको और सुधारा जा सकता है और कहाँ सुधार किए जा सकते हैं। तो इनको मैं उन एक्सपीरियंस से भी यही कहूँगी कि अपनी कमियों को आइडेंटिफाई करिए और उन पर काम कीजिए। बिल्कुल होगा, ज़रूर होगा, एक परसेवरेंस बना करके रखिए, डेफिनेटली ड्रीम्स डू कम ट्रू। जी बिल्कुल, और जागृति आपने तो कर ही दिखाया है, इसके साथ साथ जो लोग जॉब में लगे हुए हैं और लगातार प्रैक्टिस भी कर रहे हैं तो ऐसे में आप उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जॉब के साथ जस्टिफिकेशन करना पढ़ाई के साथ मुश्किल हो जाता है और हर किसी के लिए संभव नहीं कि अपनी जॉब छोड़ के वो पढ़ाई करें, तो ऐसे में आप किस तरह से उन्हें सलाह देंगी कि उन्हें किस तरह से अपने टाइम टेबल डिसाइड करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, हर किसी के लिए संभव नहीं है। मध्यम वर्गीय परिवारों में फाइनेंशियल सिक्योरिटी एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, तो मैं उनसे यही कहूँगी कि जल्दबाजी में मत रहिए। कई बार हम जल्दबाजी के चक्कर में अपने आप को ओवर प्रेशर कर लेते हैं। सब्जेक्ट्स को तोड़ दीजिए, बिल्कुल छोटे छोटे हिस्सों में कर दीजिए, उन छोटे छोटे हिस्सों को चेस करिए। जब मैं जॉब में थी मैंने यही एक गलती की कि पूरा पूरा सब्जेक्ट उठा लेना, बिल्कुल उसको परफेक्शन से ख़त्म करने की जद्दोजहद में लग जाना। तो उससे अच्छा है छोटे छोटे पार्ट्स बनाइए आप अपने सब्जेक्ट के, उनको चेस करिए। थोड़ा टाइम लग सकता है जॉब के साथ, लेकिन यदि आप मैनेज करना सीख जाएँ तो डेफिनेटली पॉसिबल है। और बी पेशेंट, आई थिंक जॉब के साथ थोड़ा सा पेशेंस लगता है तैयारी करने के लिए। तो यही कहना चाहूँगी कि छोटे छोटे टुकड़े कर लें सिलेबस के और उनको चेंज करें। बिल्कुल जागृति, धैर्य बहुत ज़रूरी हो जाता है इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और सभी को रखना भी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं कई बार जो हौसला होता है वो टूट सा जाता है, कई बार ये लगता है कि शायद नहीं हो पाएगा। क्या आपके साथ भी कभी वो मौका, वो लम्हा आया जब आपको लगा कि शायद नहीं कर पाऊँगी? ये तो लगता ही था, कभी प्रीलिम्स से पहले वो मेमोरीज आने लगती थी कि होगा कि नहीं होगा, थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल भी होता जा रहा है। फिर जब मेंस था तो मेंस के टाइम पे भी वो ऑप्शनल, एथिक्स, जीएस सब मैनेज नहीं होता था, तो कभी कभी ऐसे अनसर्टेनिटी होने लगती थी। पर मेरा हमेशा ये था कि प्रॉब्लम है, सोल्यूशन तो निकालना है, लुकिंग बैक इज़ नॉट एन ऑप्शन, पीछे देख नहीं सकते हैं, तो बस आगे देखने की मेरी आदत थी कि चाहे जैसे भी हो जो भी हो पढ़ते रहना है, करते रहना है। बिल्कुल, और यानी हार नहीं माननी है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड कि लड़के देखो जो होगा फिर देखा जाएगा। बिल्कुल, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है जागृति इसी एटीट्यूड में काम करना, आगे बढ़ना, क्योंकि कहीं ना कहीं एक दो बार हम जरूर हार का सामना करते हैं लेकिन अगर निरंतर आगे बढ़ते रहे तो एक ना एक दिन कामयाबी जरूर मिलती है। लेकिन अक्सर बहुत ज्यादा पढ़ाई होती है यूपीएससी में और कहीं ना कहीं जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो निराश हो जाते हैं और शायद आजकल कुछ ये जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ती हुई हम देख रहे हैं, क्योंकि डिप्रेशन हो जाता है कि इतनी पढ़ाई करने के बाद भी नंबर नहीं मिल रहे, मनचाही रैंक नहीं मिल रही। ऐसे में किस तरह से आप उन लोगों को सुझाव देना चाहेंगी, उन्हें कैसे बैलेंस करना चाहिए? मैम,
मैम यही कहूँगी कि आपकी अगर परफॉर्मेंस उस हिसाब से नहीं आती है जो आपके इनपुट्स हैं या जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, इसका मतलब है कि कहीं हमारे एंड से कुछ तो कमी रह के रह ही जा रही है। जहाँ तक डिप्रेशन की बात है तो एनजाइटी और स्ट्रेस तो इस एग्ज़ाम में बिल्कुल रियल है, मैंने खुद फेस किया है। तो आप डिप्रेस मत होइए क्योंकि उससे आपका रिजल्ट में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। बस ये सोचिए कि क्या ऐसा करें कि इम्प्रूवमेंट हो जाए। अगर आपकी जो माइंडसेट है वो उस डायरेक्शन में है कि क्या ऐसा करूं कि और इम्प्रूव हो जाए, क्या ऐसा एक्स्ट्रा करने से और अच्छा कुछ हो जाएगा, तो डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट होती है। बिल्कुल डिप्रेस मत होइए, हर चीज़ का हल है, आज नहीं तो कल है, पेशेंस रखिए और लगे रहिए। जागृति, आपने कब सोचा था कि आपको यूपीएससी में जाना है, एग्जाम देने, क्लियर करना है, कब से ये आपका सपना रहा है? मैम सपने की बात करूं तो बैकग्राउंड तो दिमाग में रहता था, कभी टेंथ वगैरह में सुनते थे कलेक्टर कलेक्टर, तो ऐसा हाँ हमको भी कलेक्टर बनना है, पर वो कभी सीरियस एफर्ट नहीं बना मेरा। मेरा तो हमेशा था कि पहले फाइनेंशियली सिक्योर होना है, मुझे जॉब चाहिए। एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं तो एक हमेशा इच्छा रहती है कि पहले खुद को सिक्योर कर लें। तो मैंने गेट दिया 2017 में, मैंने BHEL में 2 साल इंजीनियर के पद पे नौकरी की। BHEL में रहते हुए मुझे लगा कि मुझमें पोटेंशियल है, इस सर्विसेज में इतना डाइवर्स स्कोप है कि कई क्षेत्रों में काम करने का मौका मिलेगा। BHEL में ही देखती थी लेबर को, महिलाओं को, और सोचती थी मैं इनके लिए क्या कर सकती हूँ। तो सिविल सर्विसेज वो एक मौका देती है। फिर धीरे धीरे जब पहला प्रीलिम्स दिया, नहीं हुआ, फिर लगा कि नहीं कर तो मैं सकती हूँ, तो फिर वो एकदम जागृति यानी लगातार आप कोशिश करती रही, यही करना है, हौसला आपने कम नहीं होने दिया। जाते जाते एक छोटा सा मैसेज हमारे दर्शकों को अगर आप देना चाहें तो। यही कहूंगी कि यदि आप अभिभावक हैं तो अपने बच्चों को सपोर्ट करें, खासकर महिलाओं को। महिलाओं को सिर्फ हमें इकोनॉमिक और इमोशनल सपोर्ट के साथ साथ एक हमें बिलीफ चाहिए। यदि हमारा परिवार हमें बिलीफ रखता है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। और बाकी सभी के लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रखें। और एस्पिरेंट्स के लिए भी यही कहूँगी कि डोंट गिव अप, इट विल हैपन, इट टेक्स टाइम, बी पेशेंट, प्रैक्टिस अ लॉट एंड यू हैव टू वर्क हार्ड, देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट, रिमेन फोकस्ड एंड ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद जागृति हमारे साथ जुड़ने के लिए न्यूज़ स्टेट पर। इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आगे के लिए ढेर सारी